The inverse of point 1, 2 with respect to the circle x square plus y square minus 4x minus 6 square plus 9 is equal to 0 each. तो अपने को एक पॉइंट गिवन है उसका इनवर्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जो गिवन सर्कल है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर एक मिनट के लिए यहाँ पे बता दूँ कि इनवर्स ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का क्या मतलब होता है, तो वो मैं बस एक मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से। तो जो इनवर्स ऑफ पॉइंट, लेट से अपने को इनवर्स ऑफ पॉइंट पी एच कोमा एक्स कोमा वाई का अपने को इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। बस दो मिनट में थ्योरी बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लेट से अपने को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल जिसका अपने को सेंटर पता है, सेंटर्ड एट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल सेंटर्ड एट एच कोमा के। लेट से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स उसके क्या है, एच कोमा के, और रेडियस क्या है, एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। अपने को निकालना है इनवर्स ऑफ पॉइंट पी एच कोमा एक्स कोमा के विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट एच कोमा के एंड रेडियस आर इज दी पॉइंट, इज दी पॉइंट पी डैश। लेट से इस पॉइंट को मैं पी डैश बोल दूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स डैश और वाई डैश बोलूँ। तो अपन एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या निकालते हैं, सच डैट एक्स डैश की वैल्यू होती है, एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू एक्स माइनस एच, अल्फा इंटू एक्स माइनस एच, और वाई डैश की वैल्यू सिमिलरली होगी एक कॉन्स्टेंट बीटा, अल्फा इंटू एक्स माइनस एच प्लस एच। और अपन अगर बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा की वैल्यू होगी सिमिलरली अल्फा इंटू वाई माइनस के, यहाँ पे भी क्या आएगी, वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू वाई माइनस के प्लस के। तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट ऑफ इनवर्स, ये थ्योरी है इनवर्स ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई रिस्पेक्ट टू सर्कल सेंटर्ड एट एच कोमा के एंड रेडियस आर इज द पॉइंट पी डैश एक्स डैश वाई डैश, और एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू एक्स माइनस एच प्लस एच, और वाई डैश क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू वाई माइनस के प्लस के। जहाँ पे अपने अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा डिफाइन करते हैं, अल्फा डिफाइन करते हैं आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये होता है इनवर्स ऑफ पॉइंट का मतलब। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास सब कुछ गिवन है, अपने को इनवर्स निकालना है। तो जो पॉइंट, जो सर्कल अपने को गिवन है वो सर्कल है। अब मैं, ये तो थ्योरी वाली बात होगी, अब मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो जो अपने पास सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इजकल्स टू जीरो। अब यहाँ पे अगर मैं सेंटर एच कोमा के बोलूँ, मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को एच कोमा के बोलूँ, तो क्या है वो, सेंटर के कोऑर्डिनेट टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स बाय टू और माइनस कोफिशेंट ऑफ वाई बाय टू, तो ये हो गई। और अगर मैं रेडियस की वैल्यू को आर बोलूँ तो आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट टू स्क्वायर फोर प्लस थ्री स्क्वायर नाइन और माइनस सी की वैल्यू नाइन, तो ये क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू टू आ गई। अब अपन ये निकालते, अपन सबसे पहले क्या निकाले, अल्फा की वैल्यू निकाले, या मैं अपने को किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलना था, पॉइंट पी जो था जिसे मैं एक्स कोमा के बोलूँ इसका इन्वर्स निकालना था, और वो पॉइंट क्या था, 1, 2, तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आर स्क्वायर अपॉन एच माइनस सॉरी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, मैंने ऊपर में फॉर्मूला लिख ही दिया हूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, वन, एक्स मतलब पॉइंट जिसका जिस पॉइंट का इन्वर्स निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और एच सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब देखिए अपन, तो ये ऊपर में तो हो गया फोर और नीचे में वन और वन टू, तो ये फाइनली क्या आ गया, टू, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टू। अब अगर अपन एक्स डैश जो इनवर्स होगा पी इनवर्स उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं एक्स डैश वाई डैश बोलूँ, तो अगर जैसे पी इनवर्स है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स डैश वाई डैश बोलूँ, तो अपन एक्स डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स डैश की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स माइनस एच प्लस एच बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू बोल दूँ, अल्फा की वैल्यू टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू वन माइनस एच, एच अपना क्या था, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वन माइनस टू और प्लस एच टू,
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2, तो ये 0। तो मतलब इनवर्स जो पॉइंट होगा पी डैश उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट निकालूँ तो उसे वाई डैश बोलता हूँ, तो इसके लिए अल्फा इंटू वाई माइनस के प्लस के यही लिखूंगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू, वाई मीन्स पी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट तो 2, और माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर 3 और प्लस 3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। अब अगर अपन देखें जो इनवर्स पॉइंट है पी, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तो मैं क्या बोलता हूँ, इनवर्स पॉइंट ऑफ पी और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1, 2 इज पी डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, 1। तो ये होगा, ये होता है इनवर्स पॉइंट ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। इसके लिए अपने को ये थ्योरी पता होना चाहिए था, बाकी कैलकुलेशन था। तो अगर मैं ऑप्शन मैच कराऊँ तो ऑप्शन सी में 0, 1 है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया 0, 1। और ऑप्शन अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।